दिसंबर 2019 बिजनौर के सीजीएम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की हिरासत में अपने साथी जब्बार के साथ आए शाहनवाज की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या के मामले में शामली निवासी सुमित को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस बहुचर्चित मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला ने सुमित को शाहनवाज की हत्या, जानलेवा हमला और अवैध छत्र रखने का दोषी माना है। आपको याद दिला दें कि 17 दिसंबर 2019 को दिल्ली पुलिस नजीबाबाद निवासी शाहनवाज और जब्बार को पेशी के लिए बिजनौर अदालत में लाई थी। सीजीएम कोर्ट में दोपहर को एहसान हत्याकांड में दोनों को पेश किया जाना था। इस दौरान तीन लोगों ने कोर्ट में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली लगने से शाहनवाज की मौके पर मौत हो गई। जब्बार भगदड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया था। पुलिस कर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए साहिल निवासी नजीबाबाद, अकराज निवासी किरतपुर और सुमित निवासी शामली को पकड़ लिया था। कोर्ट मुहर्रिर मनीष भी जबड़े में गोली लगने से घायल हो गया था। ये 17 दिसंबर 2019 की घटना है। इसमें जो है मृतक शहनवाज और जब्बार को दिल्ली पुलिस कस्टडी में लेकर के सीजीएम कोर्ट बिजनौर लाई थी, तो वहाँ पर घात लगाकर सुमित और साहिल अकराज ने उसकी शहनवाज की हत्या कर दी थी। और जो जब्बार जो मौके से भाग गया था, मृतक शहनवाज को 12 गोली लगी थी। इसमें पुलिस पार्टी पर भी जानलेवा हमला किया था और उसको उसमें कांस्टेबल मनीष के भी जो है ठोड़ी में गोली लगी थी। और अगर सही ट्रीटमेंट में लेता तो मनीष की भी जान जा सकती थी। इसमें दो लोग माइनर थे, साहिल और अकराज। तो साहिल अकराज के ट्रायल पे जो है स्टे है हाई कोर्ट का। इसमें सुमित का ट्रायल हुआ और ट्रायल में माननीय उच्च न्यायालय और जनपद न्यायाधीश और शासन की मंशा के अनुरूप आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। और इसमें बीसी से एविडेंस हुई, बीसी से उसकी प्रेजेंट हुई, 313 भी बीसी से हुई और कोर्ट ने उसको दोषी माना और उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और दंड से दंडित किया है। एक लाख ये सजा आपने, क्योंकि आप जो है इसमें वकील हैं, सरकारी अधिवक्ता हैं, क्या ये फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोर्ट में संगीन अपराध हुआ था? नहीं, हमने तो फांसी की सजा की डिमांड की थी, लेकिन ये कोर्ट का डिसीजन है। कोर्ट ने उसको जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हमने फांसी की सजा के लिए पुरजोर कोर्ट से प्रेयर की थी, लेकिन फांसी की सजा न देकर के आजीवन कारावास की सुनाई है। कोर्ट ने इसको बृहत्तम श्रेणी का अपराध नहीं माना। अब तक कितने हत्याकांड हुआ, कहाँ पे था यह हत्याकांड? ये सीजीएम कोर्ट के अंदर हुआ था। वहाँ घुस करके इन लोगों ने बिजनौर में वहाँ इन लोगों ने घुस करके जो है शहनवाज की हत्या कर दी थी दिन दहाड़े। लगभग 2 बजे की घटना है ये। कितने अपराधों में लिप्त है ये सुमित? सुमित यहाँ तो इसी अपराध इसी का ट्रायल था हमारे यहाँ, और दूसरा ट्रायल इसका हमारे यहाँ नहीं था। तीनों से जो है मौके पर इन पर वेपन पकड़े गए थे, सारे विदेशी पिस्टल थे। अभी अपील के लिए वो फ्री है, अपील कर सकता अगर अपील करना चाहता तो। अभी में क्या ये सुमित मुख्य आरोपी बनाया गया था कि क्या? नहीं, सुमित मुख्य आरोपी है, सुमित भी। तीनों मुख्य आरोपी है। तीनों से विदेशी जो है पिस्टल बरामद है। तीनों से गोली चली है, एफएसएल रिपोर्ट है उसमें। तो थैंक यू।